तो यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो फाइनली मैंने यहाँ पे एनपीसीज को ऐड कर दिया। आप लोग देख सकते हो सर्वाइवल एनपीसी है ये। तो जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे हम लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं सर्वाइवल के अंदर। तो गाइस अगर आप भी चाहते हो अपने माइनक्राफ्ट सर्वर के अंदर एनपीसीज को ऐड करना तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं कैसे हम लोग अपने सर्वर के अंदर एनपीसीज बना सकते हो। तो मैं एक नूब सर्वर को प्रो सर्वर में बनाने जा रहा हूँ लाइक हाई पिक्सल की तरह, और इसके अंदर गाइस वन ब्लॉक बेड और सर्वाइवल सब होने वाला है। तो स्वागत है आप सभी लोगों को हाउ टू क्रिएट ए सर्वर लाइक हाई पिक्सल एपिसोड 3 के अंदर। तो सबसे पहले एपिसोड 2 के अंदर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लगइन्स ऐड किए थे अपने सर्वर के अंदर। तो जिन लोगों ने एपिसोड 2 अभी तक नहीं देखा तो एपिसोड 2 पहले देखो और वो इंपॉर्टेंट प्लगइन सबसे पहले ऐड करो, उसके बाद इस वीडियो पे आना। तो आई बटन में वीडियो आ रहा है, फटाफट से जाके देख लो। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये वाला लॉबी ऐड किए थे, तो चलो अभी हम लोग एनपीसीज को ऐड करने वाले। बाकी हम लोग देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एनपीसीज नहीं है, तो चलो गाइस एनपीसीज को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है अपने एटर्नोस सर्वर के अंदर, उसके बाद आपको प्लगइन्स के अंदर दो प्लगइन्स आपको ऐड कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाएगा वर्ल्ड गार्ड करके, जो पहले ही आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो इसको क्लिक करके आपको जो लेटेस्ट वर्जन जो है उसको यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद आपको वापस यहाँ पे सर्च करना है सुपर लॉबी प्लस, ठीक है। यहाँ पे ऊपर सर्च करना है और यहाँ पे सर्च करने के बाद जो पहला आएगा सुपर लॉबी प्लस ADV करके, इसको क्लिक करके इसका भी लेटेस्ट वर्जन वाला ऐड कर लेना है। तो सर्वर को कर दो स्टार्ट और आ जाओ गेम के अंदर। और हाँ, यहाँ पे मैं पॉकेट एडिशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प हो पाए। बाकी जावा एडिशन और पॉकेट एडिशन का मेथड एक ही है, प्रोसेस एक ही है। तो चलो गाइस मैं फटाफट से सर्वर के अंदर ज्वाइन कर लेता हूँ। तो हम लोग गाइस ज्वाइन हो चुके हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखो मेरे राइट साइड पे सुपर लॉबी करके एक स्कोर बोर्ड आ रहा है। तो जी हाँ, स्कोर बोर्ड को मैं सेटअप करके बताऊंगा कैसे आपको कस्टमाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेन चीज मैं बताना भूल गया, आपको यहाँ पे ऑपरेटर लेना है, ठीक है। अगर सर्वर के अंदर अगर आपके पास ऑपरेटर नहीं है तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप लोग ऑपरेटर लो। अगर आपको ऑपरेटर लेना नहीं आता तो आई बटन में वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को देख के आप लोग ऑपरेटर ले लो। ओके, तो सबसे पहले गाइस, अरे यार बारिश हो रहा है, सबसे पहले वेदर को क्लियर करते हैं। चलो, तो अभी हम लोग हमारे सर्वर स्पॉन सेट करने वाले। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सब लोग स्पॉन होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेट वर्ल्ड स्पॉन करना है, जो कि आपको पता है। तो आपको यहाँ पे जाके सेट वर्ल्ड स्पॉन को इधर कर देना है। तो ये करने के बाद अभी आपको यहाँ पे सेट कुछ करना है। यहाँ पे देखो स्लैश लिखना है, फिर लिखना है सेट हब HUB, ये लिख के एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर वापस आपको लिखना है स्लैश सेट लॉबी। तो ये हो गया हमारा लॉबी सेट। बाकी गाइस इसका काम ये है, हम लोग इस सर्वर के कोई से भी कोने में क्यों ना चले गए हो, आप लोग अगर स्लैश हब या स्लैश लॉबी लिखते हो तो आप लोग वापस से स्पॉन पे या लॉबी पे आ जाओगे। तो चलो गाइस अभी हमारा एनपीसीज को क्रिएट कर लेते हैं। तो जहाँ पे आपको एनपीसीज क्रिएट करना है उस जगह पे आपको चले जाना है। तो गाइस मैं इस ब्लॉक के ऊपर एनपीसीज को रखना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैं फटाफट से खड़ा हो जाना है आपको, ठीक है। अब मैं आपको जो कमांड दिखाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से आपको लिख लेना है, ठीक है। तो चलो मैं कमांड लिख लेता हूँ /ZNPCS स्पेस क्रिएट, और यहाँ पे हमारे एनपीसीज का एक नाम रखना पड़ेगा जो कि मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ। फिर स्पेस देना है, फिर प्लेयर, फिर वापस स्पेस देना है एंड ए एंड एल, और हमारा जो एनपीसीज के ऊपर जो नाम लिखा रहेगा उसका नाम होगा सर्वाइवल। तो मैं यहाँ पे कैपिटल में सर्वाइवल लिख देता हूँ। फिर जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ आप लोग देख सकते हो फाइनली हमारा सर्वाइवल एनपीसीज यहाँ पे ऐड हो चुका है मेरे जगह पे। तो ये ZNPCS पता नहीं कहाँ पे देख रहे, अरे भाई मेरे ऊपर देख, अरे। बाकी गाइस इस वीडियो में जितने भी कमांड्स मैंने यूज किया है तो सारे के सारे कमांड मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो गाइस आप लोग वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि ये ZNPCS आपके ऊपर देखे तो यहाँ पे एक कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना है /ZNPCS space toggle space, इस ZNPCS का नाम 1 था 1, फिर space देके look करके जैसे enter करोगे ये आपके ऊपर देखना शुरू कर देगा, या कोई भी server player के ऊपर ये ऐसे देखना घूरना शुरू कर देगा। तो ZNPCS तो हमारा बन चुका, बट ये ZNPCS कोई काम का भी नहीं है क्योंकि अभी तक हमारा वर्ल्ड नहीं बना है, और इस वर्ल्ड को बनाने के बाद हमें इसके साथ लिंक भी तो करना है, तब जाके ये वर्क करेगा। तो चलो गाइस फटाफट से हम लोग हमारा सर्वाइवल वर्ल्ड को क्रिएट कर लेते हैं। तो सर्वाइवल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए आपको कहीं पे जाने का जरूरत नहीं है, तो ये वाला कमांड ध्यान से लिखना /MB स्पेस क्रिएट स्पेस, हमारा वर्ल्ड का नाम होगा सर्वाइवल। तो यहाँ पे मैं कैपिटल में सर्वाइवल लिख देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे स्पेस देना है और यहाँ पे निकला है नॉर्मल, क्योंकि हमारा वर्ल्ड नॉर्मल होने वाला है, बेसिक सा होने वाला है। फिर आपको एंटर कर देना है, यहाँ पे ऊपर देख सकते हो हमारा वर्ल्ड जो यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे हमें 10 से 20 सेकंड यहाँ पे रुक जाना है क्योंकि हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है। तो ये होने के बाद आपको चेक करना है कि आपका वर्ल्ड
एक्चुअली क्रिएट हुआ है नहीं, तो इसके लिए आपको वापस से कमांड लिखना पड़ेगा /mbtp स्पेस हमारा जो वर्ल्ड का नाम था सर्वाइवल कैपिटल में एंटर करेंगे तो हम लोग गाइस ऐसे टेलीपोर्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो गाइस हम लोग टेलीपोर्ट हो चुके हैं हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर। बट ये क्या हो रहा है? ओ भाई ये कहां आ गया? ओ भाई ये क्या हो गया मेरा वर्ल्ड को गाइस? अरे यार लॉल ये क्या हो गया, लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया हूं। बट चिंता करने की कोई बात नहीं गाइस, यहां पे ये वर्ल्ड जो धीरे-धीरे क्रिएट हो रहा है और ये धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो यहां पे मेरा वर्ल्ड जो गाइस धीरे-धीरे ठीक हो रहा है। अगर आपके साथ भी ये वाला प्रॉब्लम होता है तो टेंशन मत करो, ये धीरे-धीरे आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी गाइस मैं यहां पे क्रिएटिव में जाके एक बार चेक कर लेता हूं मेरा वर्ल्ड एक्चुअली ठीक-ठाक है कि नहीं। तो यहां पे मैंने क्रिएटिव ले लिया और यहां पे देख सकते हो मेरा वर्ल्ड एकदम परफेक्ट है, कुछ भी गलत नहीं है। तो मैं यहां पे /hub लिख के वापस से मैं लॉबी के अंदर आ जाता हूं। तो वर्ल्ड तो हमारा बन चुका है, इस वर्ल्ड को अभी हमारे ZNPC के साथ लिंक कराना है। तो अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स बताने वाला हूं, तो आप लोग एकदम ध्यान से इस कमांड को लिखना, ठीक है, गलत ना हो पाए। तो सबसे पहले /papi स्पेस ecloud स्पेस download स्पेस player एंटर कर देना है, ठीक। एंटर करने के बाद यहां पे आपको वापस से लिखना है /papi स्पेस reload, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको वापस से एक और कमांड लिखना पड़ेगा /papi स्पेस ecloud स्पेस download स्पेस server। तो ये जैसे लिख दिया, फिर वापस आपको लिखना है /papi स्पेस reload। तो ये लिखने के बाद वापस एक और कमांड लिखना पड़ेगा /papi स्पेस ecloud स्पेस download स्पेस statistics। तो ये लिखना है, ये लिखने के बाद वापस आपको ऐड करना है /papi स्पेस reload। तो ये लिख देने के बाद फाइनली आप लोग देख सकते हो हमारे यहां पे ऐड हो चुका है हमारा स्कोरबोर्ड गाइस, देख सकते हो ऑनलाइन किल्स एंड डेथ यहां पे देख सकते हो, स्कोरबोर्ड हमारा काउंटिंग लेना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस अभी मैं आपको जो कमांड बता रहा हूं ना, हमारा आखिरी कमांड होने वाला है और ये कमांड लिंक करेगा हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड को इस NPC के साथ और ये काफी बड़ा कमांड होने वाला है। तो /ZNPC स्पेस एक्शन स्पेस वन स्पेस ऐड स्पेस कंसोल कैपिटल में स्पेस MBTP स्पेस परसेंटेज प्लेयर्स अंडरस्कोर नेम परसेंटेज स्पेस कैपिटल में हमारा सर्वाइवल का वर्ल्ड का नाम था वो लिख देना है। तो फाइनली हमारा वर्ल्ड लिंक हो चुका है NPC के साथ। जैसे हम लोग इसको क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हो फाइनली मैं सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो चुका हूं। बट ये आया कहां पे मैं यार? ये एक काम करोगे, अगर आपका भी ऐसा भी गलत स्पॉन सेट हो चुका है तो एक काम करना, क्रिएटिव लेना और क्रिएटिव लेने के बाद सबसे पहले एक अच्छा सा स्पॉन देख लेना, फिर यहां पे आने के बाद आपको यहां पे इस सर्वाइवल का स्पॉन सेट करना है। तो आपको यहां पे क्या लिखना है, MB सेट स्पॉन। तो ये आपको लिख के जैसे एंटर करोगे तो आपका सर्वाइवल का स्पॉन यहां पे सेट हो जाएगा, जहीं पे मर्जी आप लोग वहां पे सेट कर सकते हो। तो गाइस बाकी आप लोग यहां पे हब पे वापस से आ जाना है और एक बार चेक कर लो आपका वर्क कर रहा है कि नहीं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो प्रॉपर्ली ये हमारा वर्क कर रहा है। हम लोग अगर सर्वाइवल के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्ली गाइस हमारा वर्क कर रहा है, हम लोग सर्वाइवल के अंदर जा पा रहे हैं। बाकी गाइस आप लोग सर्वर के अंदर आने के बाद वर्ल्ड के अंदर जैसे हो गए आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा हमारा वो सर्वाइवल वाला वर्ल्ड यहां पे क्रिएट हो चुका है। बाकी आप लोग यहां पे अगर आपके पास कस्टम कोई मैप है तो आप लोग सर्वाइवल यहां पे अपलोड कर सकते हो सर्वर को ऑफलाइन करके, यहां पे देख सकते हो अपलोड का बटन है। बाकी गाइस यहां पे ऑप्शन के अंदर आपको जाना है, ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आप लोग देख सकते हो बहुत सारे यहां पे हम लोग वर्ल्ड का कस्टमाइजेशन बटन आपको यहां पे मिल जाता है, कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तरह तरह के यहां पे बटन से आप बहुत सारे यहां पे कमांड यूज कर सकते हो। बाकी ऊपर आपको डिफिकल्टी आएगा, यहां पे डिफिकल्टी को आपको हार्ड कर लेना। बाकी ऊपर यहां पे हार्ड कोर भी यहां पे देख सकते हो, सब कुछ यहां पे है। तो अगर आप चाहते हो तो अपना सर्वाइवल वर्ल्ड को हार्ड कोर में भी बना सकते हो। तो आई होप आपको पता चल चुका है कैसे आप लोग अपने माइनक्राफ्ट सर्वर के अंदर एक सर्वाइवल ZNPCs बना सकते हो, ये पता चल चुका है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपना खुद का कस्टम लोगो बना सकते हो, लाइक लॉयल SMP या हाईपिक्सल जो मैंने लिखा है, इस तरीके से कैसे आप लोग अपना कस्टम लोगो कैसे बना सकते हो ये एपिसोड 4 में बताने वाला हूं। बाकी गाइस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है इस वीडियो के रिलेटेड, कोई भी कमांड रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, नहीं तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके मेरे को बता सकते हो। तो चलो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी सर्वर रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। तो चलो गाइस मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।